नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रमेश पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, आज हम लोग जानेंगे BBC जो हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा है, क्योंकि ये इस पे BBC का ऑफिस पे IT का छापा लगा था, जो बहुत ही काफ़ी चर्चा में आया था। क्योंकि छापा इसमें बहुत सारे इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न भी है क्यों छापा पड़ा। जैसा कि आप लोगों के बीच में ये भी सुना होगा कि ये मोदी डॉक्यूमेंट्री के लेकर के ये काफ़ी चर्चा में रहा। तो हम लोग सारी चीज़ जानेंगे कि क्या है वो BJP से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्री जो जारी किया गया था BBC के द्वारा, वो क्या है और BBC का इतिहास क्या रहा है, ये कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, क्या है इसके पीछे इतिहास का, सारी चीज़ हम इस वीडियो में आज की वीडियो हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे BBC के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, BBC के ऑफिस में छापे वगैरह पड़ा था, तो सारे कंप्यूटर स्कैन वगैरह ऐसा किए गए थे। चलिए आगे देखते हैं, BBC क्या है, इसके मालिक कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग जानेंगे। BBC की बात करें, BBC कौन है, इसके मालिक कौन है। BBC का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग एंड कॉरपोरेशन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है ये। कहाँ का? यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है ये। दुनिया का सबसे पुराने और बड़े मीडिया हाउस में से एक है। पूरी दुनिया में करीब 35,000, बहुत इंपॉर्टेंट है, 35,000 कर्मचारी है और लगभग 40 भाषाओं में ये अपनी न्यूज़ को प्रसारित करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ का ये न्यूज है? कि यूनाइटेड किंगडम का, और BBC का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे देखते हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग हो गया एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका 18 अक्टूबर। आगे इसको जानेंगे, 18 अक्टूबर 1922 को BBC की शुरुआत हुआ। BBC की शुरुआत कब हुआ था? इम्पोर्टेंट है, 18 अक्टूबर 1922 को शुरुआत हुआ था। BBC की शुरुआत हुआ था एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे। जब वो शुरुआत हुआ था, एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे शुरुआत हुआ था, जो 1926 में यूनाइटेड किंगडम ने सरकारी संस्था बना दिया था। यूनाइटेड किंगडम इसे सरकारी संस्था बना दिया था कब? 1926 में। तब से आज तक BBC रॉयल चार्टर के तहत संचालित होती है। हालांकि अपनी कवरेज के लिए पूरी दुनिया में स्वतंत्र है, जहाँ चाहे वहाँ अपने ये कवरेज कर सकती हैं। चलिए आगे जानते हैं, रॉयल चार्टर में BBC का उद्देश्य भी लिखा है। इसके मुताबिक BBC यूनाइटेड किंगडम के सभी हिस्सों और पूरी दुनिया के लोगों को समक्ष बनाने के लिए विधिवत, सटीक और निष्पक्ष समाचार, करेंट अफेयर्स और तथात्मक प्रोग्रामिंग प्रदान करनी चाहिए। BBC का मानना है कि रॉयल चार्टर में सारी दुनिया के लिए सटीक, निष्पक्ष समाचार, करेंट अफेयर्स तथात्मक प्रोग्रामिंग प्रदान करनी चाहिए। आगे कहते हैं इसमें, BBC की हिंदुस्तान की सेवा ने अपनी पहली प्रसारण, BBC की भारत में इसके प्रसारण कब शुरुआत हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये हुआ था 11 मई 1940 को। कब हुआ था? 11 मई 1940 को BBC में पहला प्रसारण स्टार्ट किया था, जो उसी दिन विंस्टन चर्चिल, याद रखिएगा, 11 मई 1940 को ही विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। BBC हिंदुस्तान सर्विस का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में सैनिकों तक समाचार पहुंचाना था। क्या था? सैनिकों तक समाचार पहुंचाना इनका मुख्य लक्ष्य था। आइए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की लड़ाई हो या इंदिरा गांधी की हत्या या फिर कोई और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना, कई मौक़ों पर BBC ने सबसे पहले खबरें दी है, जिससे लोगों का भरोसा बना है। 2001 में BBC Hindi.com की शुरुआत हुई और फिर अन्य भारतीय भाषाएं जुड़ती चली गई। सबसे पहले जब BBC की बात करें, तो भारत में 2001 में BBC Hindi.com की शुरुआत हुई थी, जो हिंदी भाषा से शुरू हुई थी और धीरे धीरे अन्य भाषा साथ में जुड़ती चली गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, BBC की फंडिंग और कमाई कैसे होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है, BBC की फंडिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है और इसकी कमाई का क्या मुख्य स्रोत है, ये हम लोग जानेंगे। BBC, आइए हाँ जानते हैं, BBC की फंडिंग एक सालाना टेलीविजन फीस से आती है। कहाँ से आती है? BBC की ज़्यादातर फंडिंग एक सालाना टेलीविजन फीस से आती है। इसके अलावा इसे अन्य कंपनियों जैसे BBC स्टूडियो वर्क्स से भी आमदनी होती है। ब्रिटेन के संसद इसे ग्रांट भी देती है। क्या क्या है मुख्य, फिर से रिपीट कर लीजिए, BBC की ज़्यादातर फंडिंग एक सालाना टेलीविजन फीस से आती है। इसके अलावा इसे अन्य कंपनियों जैसे BBC स्टूडियोज और BBC स्टूडियो वर्क्स से भी आमदनी होती है। ब्रिटेन की संसद भी इसको ग्रांट देती है। ठीक है,
आगे जानते हैं इस पर। सालाना 2022 में कंपनी को साल 2022 में कंपनी को तब एक बड़ी झटका लगा था जब ब्रिटेन सरकार ने अगले 2 वर्षों के लिए वार्षिक टेलीविजन शुल्क पर रोक लगाने की घोषणा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, साल 2022 में कंपनी को एक बड़े झटका तब लगा था जब ब्रिटिश सरकार ने अगले 2 सालों के लिए टेलीविजन शुल्क पर रोक लगाने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा था कि 2027 तक यह शुल्क पूरी तरह से खत्म कर देगी। क्या कहा था? 2027 तक यह शुल्क पूरी तरह से खत्म कर देगी। आगे जानते हैं बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग क्यों पहुँचा। सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके लिए आज हम लोग इस सेशन को लाए हैं, कि बीबीसी का जो छापा पड़ा, रेड पड़ा, ये क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या है इसका कहानी, आइए जानते हैं। बीबीसी विभाग के सूत्रों के अनुसार बीबीसी पर बीबीसी विभाग के सूत्रों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। क्या मुख्य क्या आरोप इस पर लगा हुआ है? बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है, इसी को लेकर सर्वे किया जा रहा है। बीबीसी ने इस सर्वे को पुष्टि करते हुए कहा है कि अथॉरिटी का सहयोग कर रहे हैं और हम जल्द इस सिचुएशन पर सुधार लाई जाएगी। ठीक है, उनका मानना है कि जल्द ही हम लोग एक सही स्थिति में पहुंच जाएंगे और इसकी पुष्टि की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं। बीबीसी के दफ्तरों में सर्वे आईटी अधिनियम 1961 के अलग अलग प्रावधानों जैसे धारा 133A के तहत किए जा सकते हैं। यह कानून आईटी विभाग के छिपी हुई जानकारी जुटाने के लिए सर्वे की शक्ति देती है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अधिनियम 1961 के अलग अलग, देखिए आप फिर से नोट कर लीजिए क्या है, फिर से नोट कर लीजिए। देखिए अधिनियम 1961, आईटी अधिनियम 1961 के अलग अलग प्रावधानों जैसे धारा 133A, बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 133A के तहत किए जा सकते हैं। यह कानून आईटी विभाग से छिपी हुई जानकारी को जुटाने की सर्वे की शक्ति देता है। इसके तहत ऑफिशियल खाते की जानकारी, दस्तावेज, नकदी, स्टॉक या अन्य किसी कीमती सामान की जांच करने के लिए किसी भी कैंपस में प्रवेश की अनुमति देता है। इस धारा के तहत वो किसी भी ऑफिस या किसी भी संस्था में वो प्रवेश कर सकता है ये जाँच करने के लिए। ठीक है, 1961 33A के तहत। ठीक है, फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं, कितना है, अधिनियम 1961, याद रखिएगा अधिनियम 1961 है और धारा कितना है 133A, धारा कितना है 133A, इसको नोट किया। इसके तहत जानकारी जुटाने के लिए आईटी विभाग कहीं भी किसी भी ऑफिस में किसी भी संस्थान में जब चाहे तब वो जानकारी जुटाने के लिए वो जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। बीबीसी पर पीएम मोदी से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री का विवाद क्या है? बीबीसी पर पीएम मोदी से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री का विवाद क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। जो अभी हम कुछ देर पहले डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे थे, इसकी वजह से इसमें बैन किया जा रहा है, जैसा कि सब लोगों को मानना है कि डॉक्यूमेंट्री की वजह से ही बैन किया गया है, ऐसा कुछ विपक्षी नेताओं को मानना है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। गुजरात में दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाने वाले बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को 2 हिस्सों में जारी किया गया था। डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या था। डॉक्यूमेंट्री का नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन को 2 हिस्सों में जारी किया गया था, जिसका पहला एपिसोड 17 जनवरी और दूसरा एपिसोड 22 जनवरी को रिलीज किया गया था। पहला एपिसोड 17 जनवरी को और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज किया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 20 फरवरी को कहा था कि हमारे राय में ये प्रोपेगेंडा पीस है। इसका मकसद एक तहत के नैरेटिव का पेश करना है जिसे लोग पहले ही खारिज कर चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी ब्रिटिश संसद में इसे डॉक्यूमेंट्री को असहमति जताई है। आगे जानते हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड रिलीज होने से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 21 जनवरी को इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस डॉक्यूमेंट्री पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया था मोदी सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद यूट्यूब और ट्विटर से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिए के लिंक हटा दिए थे। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक हटा दिए थे ये बैन करने के बाद। आइए आगे जानते हैं। इससे पहले भी विवादों में रहा, हम लोग जानेंगे कि बीबीसी क्या
बहुत सारे विवादों से पुराना रिश्ता रहा है इसका इतिहास में। तो हम लोग जानेंगे कि कब कब ये विवादों में रहा है। सबसे पहले बात करते हैं 1970 में बीबीसी के इंदिरा गांधी से भी ठन गई थी, मतलब 1970 के आसपास में इंदिरा गांधी से भी इनका मतलब सामना हो गया था। इस समय फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मेले ने दो डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया का पब्लिश किया था। इन दोनों डॉक्यूमेंट्री में भारत में रोजाना की जिंदगी दिखाई गई थी। भारत सरकार ने इस भारत को गलत रूप से पेश करने वाला करार दिया था। भारत ने क्या कहा था उसमें, किसे भारत को गलत रूप से पेश करने वाला इस तरह से डॉक्यूमेंट्री को उस तरह से बताया था। आगे देखते हैं, 2008 में बीबीसी ने अपने एक शो में भारत के एक वर्कशॉप में काम करने वाले बाल श्रमिकों की तस्वीर दिखाई थी। बीबीसी के इस शो पर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। सरकार ने जाँच की तो बीबीसी के ये फुटेज फर्जी थे। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे 2008 में भी ये इनका एक बार ठन चुका है भारत सरकार से। आगे देखते हैं, आगे है लास्ट है। मार्च 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के फैसले को सही ठहराया था। ये मार्च 2015 की बात है और हाई कोर्ट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के फैसले को सही ठहराया था। दरअसल इसमें निर्भया के दोषी मुकेश सिंह को दिखाया गया था, इसलिए इसे इंटरनेशनल पर पब्लिश करने से रोक लगा दिया गया था। 2017 में बीबीसी ने जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। 2017 में हम लोग आ गए हैं। 2017 में बीबीसी ने जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। इसमें भारत के इमेज पर गहरा असर पड़ा था, जिसके बाद भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन लगाने का फैसला किया था। आगे जानते हैं, हाँ तो ये आखिरी स्लाइड था यार। अब तो ये बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर इस तरह से और भी सारे जो भी विशेष मुद्दा आएगा उस पर हम लोग वीडियो बना के आप लोगों के बीच रखते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।